वालेकुम। है जावर लेक्चर नंबर 29 फॉर प्रेप क्लास उर्दू। तो उस पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास का सबसे पहले उन्होंने आपको थोड़ा सा रिवीजन के लिए आपको ये दिया है कि आपने अलिफ ता ये तक पूरी आपने यहाँ पे अलिफ पे लिखनी है। इट्स जस्ट फॉर रिवीजन, ठीक है। इसको आपने इसकी रिवीजन हुआ चाहिए ताकि आप जब लिखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस में रहेंगे, और फिर आप स्कूल आएंगे तो फिर आपको कभी भी देखिए जब तक आपको अलिफ पे नहीं आती तो आप तोड़ जोड़ भी नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि तोड़ जोड़ भी वही है, हर कोई भी लफ्ज़ आप नहीं लिख सकते क्योंकि हर लफ्ज़ जो बनता है अलिफ बे को ही जोड़ के बनता है। सो इसलिए इसकी प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आपने यहाँ पे इसके अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी। इस तरह नेक्स्ट पेज पे देखें तो आपके पास आ गए हैं मुसफ़ते, अलिफ वाओ छोटी है और बढ़िया। देखें आप लोगों को मुसफ़तों की कितनी प्रैक्टिस करवाई जा रही है, फिर भी अगर आप लोगों के लिए परफेक्ट ना हो तो फिर क्या फ़ायदा है इतनी प्रैक्टिस का। सो इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, ठीक है। जितनी दफ़ा करवाई जा रही है उतनी दफ़ा आप लोगों ने करनी है। जब मुसफ़ते आ जाएंगे तो आप कोई सा भी लेटर लिख सकते हैं, कोई सा भी वर्ड लिख सकते हैं, लफ्ज़ लिख सकते हैं, ठीक है। सो आप ये देखें, जैसे ये बे अलिफ बा, बे वाओ बो, बे छोटिए बी, बे बढ़िए बे। इसी तरीके से पे अलिफ पा, पे वाओ पो, पे छोटिए पी, पे बढ़िए पे। ते अलिफ ता, ते वाओ तो, ते छोटिए ती, ते बढ़िए ते। देखिए प्रेप क्लास है, इसमें बच्चे की बेसिक्स अब परफेक्ट हो जानी चाहिए। रिसेप्शन नर्सरी में हम अवॉइड कर देते हैं, लेटर परफेक्ट लिखना चल जाता है, लेकिन जो यहाँ पे प्रेप क्लास में एटलीस्ट बच्चे को पता होना चाहिए कि छोटी है कैसे लिखनी है, सीन कैसे शीन कैसे, बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए क्योंकि इतना सा भी मार्जिन नहीं। और अब आप लोगों के पास काफ़ी अच्छा टाइम है इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करने का, इस पर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे तो आपके राइटिंग के मार्क्स तो डिडक्ट होंगे ही नहीं। और अगर आप लोग नहीं होते तो फिर मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपके राइटिंग के ही डिडक्ट हो सकते हैं। सो ये देखें, टे अलिफ टा, टे वाओ टो, टे छोटिए टी, टे बढ़िए टे। से अलिफ सा, से वाओ सो, से छोटिए सी, से बढ़िए से। जीम अलिफ जा, जीम वाओ जो, जीम छोटिए जी, जीम बढ़िए जे। चे अलिफ चा, चे वाओ चले, चे का भी मैं आपको लिख के बता देती हूँ। चे अलिफ चा, चे वाओ छोटी शक्ल बनाई चे की, साथ वाओ मिला दिया। चे वाओ जो छोटी शक्ल बनाई चे की, साथ छोटी ये मिला दी। चे छोटी है जी और चे बड़ी है छे। इस तरीके से हे अलिफ हा, हे वाओ हो, हे छोटी ही, हे बड़ी है हे। खे अलिफ खा, खे छोटी है खी, हो, खे छोटी है खी, खे बड़ी है खे।